फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमारी जो प्रकृति है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही फायदेमंद है और आपके बहुत सारे मसले हल कर सकती है, आपके बहुत सारी जो परेशानियां हैं हल कर सकती है। और यह बहुत ही रेयर चीज है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यह है काली हल्दी। दोस्तों, हमने हल्दी के बारे में तो सुना है, पर आपने कभी काली हल्दी के बारे में नहीं सुना होगा। ये जो काली हल्दी है ये बहुत ही ज्यादा गुप्त चीजों में मानी जाती है। गुप्त इन द सेंस दोस्तों कि ये बहुत रेयरली मिलती है, या तो आपको टोना टोटका, जो एकदम प्रॉपर टोना टोटका करते हैं उनके पास मिलेगी, या वैद्य लोगों के पास मिलेगी, या जो हल्दी की जैसे जो पीसते हैं, जो पिसाई करते हैं उनके पास आपको मिल सकती है ये। लेकिन आजकल दोस्तों आसानी से मिलने लग गई है काली हल्दी भी, तो आप अपने अगल बगल में पता करके काली हल्दी का जुगाड़ कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, मैं जो आपको अभी काली हल्दी का उपाय बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल अचूक है, वेदों पुराणों में लिखे हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप ये जो उपाय मैं बताऊंगा आप उसको सही ढंग से करिए, आपको जरूर लाभ होगा। आप तीन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे। और दोस्तों एक बात, यह जो उपाय है बहुत ही कठिन नहीं होगा, सरल सा उपाय है। कठिन आपका काम यही होगा कि आपको बस काली हल्दी का जुगाड़ करना है जो आपको आजकल मिल सकता है आपके अगल बगल में। आप पता करिए और छट कर उसका जुगाड़ करिए और अपनी लाइफ की सारी समस्याओं का निदान करिए। दोस्तों, जो पहला उपाय है वो यह है कि अगर आपके परिवार में कोई बहुत दिन तक बीमार है, जैसे एक दो दिन या कॉमन कोल्ड ठीक है, लेकिन जब ऐसा होता है कि वो हमेशा बीमार ही रहे, तो आपको यह नुस्खा अपनाना है दोस्तों, वह बीमारी झटपट दूर हो जाएगी। आपको दो आटे का पेड़ा बनाना है, उसमें गीला चना की दाल, गीले चने की दाल आपको डालनी है और उसके साथ गुड़ और थोड़ी सी पीसी हुई काली हल्दी। दोस्तों, ये क्वांटिटी इसमें कुछ नहीं है, आपके पास जितनी भी काली हल्दी हो, याद रहे कि आप अच्छी क्वांटिटी में डालें या मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको काली हल्दी का उपयोग जरूर करना है। और उस पेड़े को रोल करके जो रोगी है उसके ऊपर से 7 बार फेर लेना है। यह जो है टोटका दोस्तों, इसको लगातार 3 गुरुवार को करने से आपको लाभ होगा। और जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जो लंबे समय तक अस्वस्थ है जो व्यक्ति, वह झटपट ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह काले हल्दी का उपाय है, याद रखिएगा दोस्तों, काले हल्दी का उपाय है, यह अचूक उपाय है। आपको पहले ही गुरुवार को यह मिलने लग जाएगा इसका लाभ। दोस्तों, जो हमारा दूसरा उपाय है, अगर किसी बच्चे को नजर लग गई है, दोस्तों आजकल नजर तो बहुत ही आसानी से लग सकती है, टीवी में आजकल गोयल टीएमटी सरिया वाले का एड भी आता है, उसमें दिखाता है कि नजर लग जाए, अगर बुरी नजर लग जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके बच्चे को या किसी को भी नजर लग गई है तो उसके लिए भी काली हल्दी यूज होती है। ऐसे तो दोस्तों नजर उतारने के लिए कई टोटके हैं काली मिर्च का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत कड़ी नजर होती है ना, उसके लिए आप ये टोटका अपना सकते हैं। ऐसे तो काली मिर्च का भी टोटका अच्छा है, पर नजर उतारने में अगर एकदम कड़ी नजर है, एकदम एक्सट्रीम लेवल की नजर है, तो आप ये यूज करें। आपको काला कपड़ा लेना है, यह भी बुधवार के दिन करना है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बुधवार के दिन करना है। आपको काला कपड़ा लेना है, उसमें हल्दी को बांध देना है,
जो आपकी काली हल्दी है उसको बांधना है, और 7 बार आपको जो बच्चा है या जिसको नजर लगी है उसके सर पे फेर देना है। ये याद रखिएगा कि आपको उसके सर पे 7 बार फेरना है, और फिर उस काले कपड़े को जल में प्रवाहित कर देना है। मतलब अगर आप गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी में प्रवाहित करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगल बगल में जो आपके तालाब है, जो फूल आप प्रवाहित करते हो जल में, उसमें आप मत रखिएगा इसको। आपको अलग से उसको प्रवाहित करना है, एकदम अलग से, ना फूल ना पूजन सामग्री जो आप प्रवाहित करते हैं उसके साथ प्रवाहित नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर यह जो काली हल्दी है, आपको आपके जन्म पत्री में अगर गुरु और शनि से आप पीड़ित हैं, जो आपकी जन्म पत्री है उसमें अगर आप गुरु और शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं, तो आपको एक सीधा सा उपाय करना है। आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप में काली हल्दी पीस कर तिलक लगानी है। दोस्तों याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को नियमित रूप में, मतलब थोड़ी सी काली हल्दी लेनी है, जिससे आपका जो टीका है उसमें पानी या ये सब कुछ नहीं, आपको उसको एकदम अच्छे से पीस करके उसका तिलक बनाना है। थोड़ा गड़गड़ा जैसा होगा, थोड़ा भरभरा जैसा, जो बोलते हैं ना, दानेदार जैसा थोड़ा होगा, आपको ऐसा तिलक बनाना है और उसके सर पे लगा देना है। इससे जो दोनों ग्रह है वह शुभ हो जाएंगे और फल देने लगेंगे। दोस्तों, जो आपको पीड़ा हो रही थी वो आपकी खत्म हो जाएगी, और अगर आप इसको रेगुलरली करोगे, मतलब एक बार तो किया आपने, हर अगर जब आपका ये चल रहा हो, जैसे 7.5 चल रही है या कुछ चल रहा है, तो उस वक्त अगर आप इसको रेगुलरली अगर शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा दोस्तों। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो शुभ फल देने लग जाए ये दोनों ग्रह, आप एकदम टॉप पे पहुंच जाओ, एकदम ऊपर पहुंच जाओ। फिर आपको अगर किसी के पास धन आता है और टिकता नहीं है, जैसे दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आपका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है और जो आपकी कमाई है बहुत कम है, ऐसा लग रहा है घर में, तो उसके लिए एक उपाय है। आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी की डब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर रखना है और मां लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श करना है। दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को एक चांदी की डिब्बी लेनी है, उसमें काली हल्दी थोड़ी सी, दोस्तों क्वांटिटी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आप ले सकते हैं, और नाग केसर लेना है और सिंदूर लेना है उस डब्बी में। तीनों को रख के आपको लक्ष्मी जी के चरणों पे स्पर्श करवाकर, जहां आपका धन रखा होता है, जो आपकी तिजोरी होती है या कोई भी धन का जो स्थान होता है, वहां पर रख देना है। ये उपाय करने से आपके जो खर्चे हैं, या तो जितना आपका खर्चा है, जो एक्स्ट्रा खर्चा है, वो नहीं होगा, और आपकी कमाई का स्रोत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका जो खर्चा है वो भी कंट्रोल होगा इसमें। दोस्तों खर्चा कंट्रोल हो जाएगा, कमाई बढ़ जाएगी। एक बात और है, अगर अभी जैसा चल रहा है कि किसी का भी कोई काम नहीं चल रहा है, मैंने काफी लोगों को देखा, मेरे दोस्तों को, यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं, सबकी एक ही परेशानी है कि भाई ये जो कैश क्रंच आया है, ये जो नोटबंदी आई है, इसके बाद से भाई धंधा मंदा है। इसके लिए दोस्तों एक उपाय है, ये मैंने सामने देखा है कि ये काम कर रहा है दोस्तों, काफी लोगों को मैंने बताया, ये यहां पे भी बताया, तो काम जरूर कर रहा है ये आप ट्राई करिएगा, और ये अचूक उपाय है क्योंकि यह काली हल्दी का उपाय है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, आपको शुक्ल पक्ष के
प्रथम गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी डालनी है। दोस्तों शुक्ल पक्ष जो है उसके प्रथम गुरुवार को काले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गौमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियों को बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा आपको 108 बार करना है। इसका आपको जाप करना है, मैं आपको फिर से बताता हूं दोस्तों, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इससे आपका जो व्यवसायी है, जो आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा और जो आपकी प्रगतिशील है, जो आपकी बिजनेस है, वो एक बार में झटके में बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये काली हल्दी का उपाय है दोस्तों और ये अचूक है। वेदों पुराणों में लिखा है दोस्तों कि काली हल्दी एकदम अचूक उपाय करती है। तो आपको अगर अपने बिजनेस को एकदम डबल ट्रिपल चौपल करना है तो आप उसके लिए यह उपाय जरूर अपनाएं। फिर दोस्तों अगर आप मशीन का काम करते हो, जैसे कि छोटी फैक्ट्री है या फिर बड़ी फैक्ट्री है आपकी, और उसमें कोई महंगी वाली जो मशीन, एकदम बड़ी वाली जो मशीन होती है, एकदम महंगी जो मशीन आप खरीदते हैं, वो चल नहीं रही हो या बार बार प्रॉब्लम करती हो, तो उसके लिए दोस्तों ये उपाय है। आपको काली हल्दी को पीसकर केसर और गंगा जल मिलाकर पहले जो बुधवार को उस मशीन पे स्वास्तिक बनाना है उससे। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी पहला बुधवार आएगा उस दिन आपको काली हल्दी को पीसकर उसमें आपको केसर और गंगा जल मिलाना है और उस मशीन के ऊपर स्वास्तिक बना देनी है। इससे मशीन को एक नई मजबूती मिल जाएगी, ये मशीन का बैकबोन बन जाएगा और आपका मशीन कभी खराब नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये काली हल्दी का उपाय है दोस्तों। फिर दोस्तों दीपावली के दिन का एक उपाय है, वो अभी नहीं लेकिन दीपावली पर आप कर सकते हो, तो याद रखिएगा दीपावली के दिन आप ये जरूर करना है। ये गांठ बांध कर रख दीजिए कि दीपावली वाले दिन आपको यह करना ही है। आपको दीपावली के दिन पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख देना है। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि दीपावली का टाइम लक्ष्मी जी का फेवरेट टाइम होता है, लक्ष्मी जी आपके घर में उस दिन विराजती है। दीपावली के दिन बहुत सारे टोटके भी होते हैं दोस्तों, बहुत सारे उपाय भी होते हैं। यह जो उपाय है ये टोटकों में राजा माना जाता है धन प्राप्ति के लिए, यह काली हल्दी का अचूक उपाय है। तो याद रखिएगा आपको यह जरूर करना है दीपावली वाले दिन, और एकदम गांठ बांध करके रख लेना है कि दीपावली आए तो आपको यह उपाय करना ही करना है। देखिए दोस्तों आजकल ऐसा भी हो गया, डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें हैं जिसे बोला जाता है ना कि एकदम ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो कोई व्यक्ति एकदम अलग टाइप से डिप्रेस बिहेव करने लगता है, उसके लिए भी ऐसा काली हल्दी का एक टोटका है। आपको एक शुभ समय देख करके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एकदम, मतलब सुबह और शाम का टाइम जो होता है दिन में आप वह ले सकते हैं। शुभ समय का मतलब शाम को जब आप दोनों संध्या की बत्ती करते हो उससे थोड़ा पहले आपको काली हल्दी को कटोरी में रख के लौ बांध की धूप दिखाकर शुद्ध करना है। याद रखिएगा दोस्तों, काली हल्दी को कटोरी में रखकर लौ बांध की धूप दिखाकर शुद्ध करना है। फिर एक टुकड़े में छेद कर धागे की मदद से उसके गले में पहना देना है और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण ताजे पानी से सेवन कराते रहें।
दोस्तों याद रखिएगा, जिसको डिप्रेशन हुआ है या थोड़ा पागलपन भी जिसको कहते हैं, एकदम डीप वाला डिप्रेशन में चला गया है कोई व्यक्ति, तो उसको आपको मैंने जैसा कहा है कि आपको अच्छा टाइम देखना है, और उसके बाद जो टुकड़ा है उसमें छेद करना है, और जो व्यक्ति है उसके गले में पहना देना है, और जो कटोरी है उसमें ही, याद रखिएगा दोस्तों, दूसरी कटोरी आपको नहीं लेनी है, वो कटोरी में आपको थोड़ी सी काली हल्दी का चूर्ण ताजे पानी के साथ सेवन कराते रहना है उस व्यक्ति को। इससे अगर सब कुछ सही रहा, आपने इसको अच्छे से किया, तो ऊपर वाला आप पर मेहरबानी करेगा, उस व्यक्ति को ठीक करेगा। दोस्तों ये काली हल्दी का उपाय है, अचूक उपाय माना जाता है दोस्तों, वेदों पुराणों में लिखा है कि काली हल्दी अचूक होती है। तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो उपाय मैंने बताए हैं ज्यादा नहीं है, आपकी धन प्राप्ति के लिए, आपके घर में सुख शांति के लिए, और जो पीड़ा आप पर हो रही है ग्रहों की वजह से हुई या किसी भी तरह की पीड़ा आप पर हो रही है, इससे आपको अचूक उपाय देगा। आखिर में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट जरूर करें, और अगर आपको एकदम पर्सनल से आपको ऐसे शाही है कि यार पब्लिक में नहीं बताना है, तो मैंने अपना मेल आईडी नीचे मेंशन कर दिया है, आप मुझे डायरेक्टली मेल करके भी अपनी परेशानी बता सकते हैं। इसलिए आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।